राहु इस घर में हो तो जो इंसान को सबसे बड़ा कुदरत की तरफ से गिफ्ट मिलता है ना, वो मिलता है इंट्यूशन का। राहु तीसरे घर में किस तरह के परिवर्तन लेके आते हैं हमारे जीवन में, हमारे रहन सहन में, हमारे धन दौलत में, ये सभी चीजों की चर्चा आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। और साथ में ये चर्चा करेंगे कि इस राहु के उपाय किस तरह से किए जा सकते हैं और क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा, स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा। राहु थर्ड हाउस में हो तो कहा जाता है कि अब ये जो राहु है ना, ये उच्च का बिहेव करते हैं। उच्च का बिहेव मतलब अब राहु अपनी बेस्ट फॉर्म में होते हैं। ये राहु वाले जो हैं, इनके दुश्मन कहा जाता है इनके आगे टिके नहीं पाते। इनके शब्दों का चुनाव ही इस तरह से होता है कि इनकी वाणी में इतनी बुलंदी होती है, इनकी वाणी में इतना ज्यादा एज होता है कि कोई भी विरोधी इनके आगे टिके नहीं पाता। अब ये ऑफिशियल वर्क में हो तो इनकी मेल में या इनकी कलम में इतनी ताकत हो जाती है कि ये उसी से ही तलवार का काम लेते हैं। देखिए, तीसरे घर में एनर्जी होती है बुध की और मंगल की, और अगर बर्थ चार्ट में बुध और मंगल सही हो तो फिर तो ये राहु अपनी बेस्ट पे होते हैं। लेकिन अगर बुध और मंगल खराब हो जाएं तो फिर इस राहु के रिजल्ट्स में भी कहीं ना कहीं बहुत कमी आ जाती है। तो तीसरे घर के राहु अच्छे हैं या बुरे, एक तो बुध और मंगल की पोजीशन से पता लगेगा और पता लगेगा शनि की पोजीशन से। क्यों? क्योंकि राहु जो हैं खुद शनि की ही एक्सटेंशन होते हैं। ये राहु तीसरे घर में अकेले हों फिर तो बहुत बढ़िया, लेकिन यही राहु अगर तीसरे घर में अन्य ग्रहों के साथ हो जाएं तो सबसे पहले ये बलि लेते हैं केतु की। किस तरह से? अब बर्थ चार्ट में केतु के रिजल्ट बहुत खराब हो जाते हैं। बर्थ चार्ट में केतु के रिजल्ट खराब होने की वजह से उस इंसान के या तो नर संतान पैदा नहीं होती, या अगर बेटा पैदा हो जाए तो उसके बारे में लगातार दिक्कतें चलती रहती हैं, और ये दिक्कतें 34 साल की उम्र तक जारी रहती हैं। यानी मोटे तौर पर यह देखा गया है कि राहु तीसरे घर में हों और बाकी ग्रहों के साथ हों तो इनके जो नर संतान है वो 34 साल की उम्र के ज्यादातर बाद ही पैदा होती है। यहाँ पे राहु होने से इंसान को लीवर की दिक्कतें, डाइजेशन सिस्टम की, मेटाबॉलिज्म से संबंधित दिक्कतें काफी ज्यादा देखने को मिलती हैं। तीसरे घर के राहु की एक बहुत बड़ी निशानी होती है कि इंसान की बाजू पे किसी ना किसी तिल का या मत्स्य का निशान जरूर होता है। ये मैं जस्ट इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार डेट ऑफ बर्थ या टाइम की कंफ्यूजन की वजह से ये कंफर्म नहीं हो पाता है कि राहु दूसरे घर में है या तीसरे घर में है। तो इसको देखने के लिए हमें अगर किसी की बाजू पर मत्स्य या तिल का निशान मिल जाए और राहु इसी कंफ्यूजन में हो तो फिर ये कंफर्म समझना चाहिए कि अब ये जो राहु हैं ये तीसरे घर के ही राहु। राहु इस घर में हो तो जो इंसान को सबसे बड़ा कुदरत की तरफ से गिफ्ट मिलता है ना, वो मिलता है इंट्यूशन का, आभास का। इन लोगों की जो आभास शक्ति होती है ये बहुत ही बुलंद होती है। आने वाली चीजों की आहट इनको सपनों के थ्रू हो जाती है। एकदम से इनके मुंह से कुछ आने वाली चीजों के बारे में निकल ही ऐसा जाता है जो इनको खुद को नहीं पता होता कि इनके मुंह से निकल भी कैसे गया। यानी अकेला राहु थर्ड हाउस में हो तो इस इंसान को एक अच्छी इंट्यूशन या एक अच्छी आभास शक्ति जो है वो देता है। लेकिन यहाँ पे इस राहु की एक और दिक्कत होती है कि इनको अपने भाइयों की तरफ से पैसे की, प्रॉपर्टी की कुछ परेशानियां देखनी पड़ती हैं। या तो इनके भाई जो हैं वो कुछ पैसे की या प्रॉपर्टी की मैनिपुलेशन कर देते हैं, या कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि इनको भाइयों की वजह से पैसा या प्रॉपर्टी सेक्रीफाइस करनी भी पड़ जाती है। राहु थर्ड हाउस में हो और इन लोगों ने अपने घर में आइवरी यानी हाथी दांत की बनी हुई कोई भी चीज रखी हो तो अब ये चीज जो है दुर्भाग्य को लेकर आएगी। अब यहाँ पे राहु बहुत विषैले हो जाएंगे, अब जो चीजों का उतार चढ़ाव है काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो राहु थर्ड हाउस में हो कभी भी घर में हाथी दांत की बनी हुई चीजें कभी नहीं रखनी चाहिए। राहु के थर्ड हाउस में खराब होने की एक और बहुत बड़ी निशानी होती है कि उस इंसान की जुबान जो है वो अटकनी, हकलानी या थकलानी शुरू हो जाती है। उनको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम भी कई बार देखी गई है। तो अगर राहु थर्ड हाउस में हो और वाणी जो है अपना पूरा साथ ना दे, शब्दों का चुनाव सही ना हो पाए, या जुबान जो है किन्हीं शब्दों पे आके अटक जाए, तो इसका मतलब है अब ये जो राहु हैं काफी खराब रिजल्ट दे रहे हैं। ये राहु जब खराब रिजल्ट देंगे, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि भाइयों की तरफ से पैसे की प्रॉब्लम हो सकती है, या मुंह से वाणी इस तरह की गलत निकल सकती है जिसकी वजह से लोगों के साथ संबंध जो है वो बिगड़ने शुरू हो जाए, अगर इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं तो फिर हमें इस राहु के उपाय जरूर करने चाहिए। थर्ड हाउस के राहु का जो सबसे बढ़िया उपाय माना गया है वो है चांदी की डिबिया में चावल भर के अपने अलमारी में, अपने पास घर में कहीं पे भी सेफ रख लिए जाए।
इसके अलावा अगर ये राहु जो है कहीं ना कहीं कमजोर बैठे हुए हैं बुध या मंगल के या इवन शनि के कमजोर होने की वजह से और अपना पूरा रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, आप लाइफ में बुलंदी लेना चाहते हैं लेकिन बुलंदी मिल नहीं पा रही है, तो आपको क्या करना होगा? अब यहाँ पे चांदी का हाथी जिसकी सूंड ऊपर की तरफ हो, इसको बनवा के अपने घर में स्थापित करिए, क्योंकि सूंड ऊपर वाला हाथी जो है ये राहु की बुलंदी का सूचक होता है। और अगर इस चांदी के हाथी को, क्योंकि चंद्रमा है चांदी और यहां पे हमने राहु को चंद्रमा की मदद देके अपने घर में स्थापित करना है, यानी चांदी का हाथी घर में लाके स्थापित करना है, इससे क्या होगा, आपके जो राहु हैं पूरी तरह से प्योरली आपको अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देंगे। और इन सबके अलावा दो खास प्रिकॉशंस, राहु सिंबल है ससुराल के, राहु सिंबल है इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल चीजों के, ससुराल से संबंध खराब ना करें, इससे राहु का बिगड़ना बचाया जा सकता है। और इसके अलावा घर पे पुरानी खराब इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल की खराब चीजें ना रखें। वास्तु में तीसरा घर जो है साउथ की दिशा है, तो साउथ की दिशा में अगर बंद घड़ियां या खराब इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल सामान पड़ा होगा तो फिर ये जो राहु है इसको स्पॉइल होने से कोई रोक नहीं सकता। तो इन प्रिकॉशंस को फॉलो करिए, अगर राहु खराब है तो उसका जो उपाय बताया गया है उसको जरूर फॉलो करिए। और इसके साथ साथ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि अगर तीसरे घर में राहु है और जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं उनमें से कितने सिम्टम्स जो हैं आपके लाइफ के साथ मैच कर रहे हैं। आपको अगर वास्तु के या एस्ट्रोलॉजी के डेली अपडेट्स भी चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम योगेश शर्मा एस्ट्रोलॉजी अकाउंट को ज़रूर फॉलो करिए, वहाँ पर आपको डेली के अपडेट्स जो हैं बिल्कुल रेगुलर बेसिस पर मिलते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, राहू के चौथे घर के रिजल्ट लेके बहुत जल्दी मैं आपसे मिलूँगा।